Hello everyone. So in last class I explained what is loop and how many types of loops are there in Java. So if anyone had not watched that video about loop and while loop, so please go and watch that video before starting with this, because today I'm going to explain for loop. Okay, so अगर ये नहीं पता कि basically loop का काम क्या होता है, loop कैसे work करता है, कितने types के होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सो एक बार जाके वीडियो देख लो, फिर भी समझ में यहाँ पे आएगा. अगर नहीं भी देखे हो तब भी यहाँ पे समझ में आएगा. ठीक है, बट मेरा एडवाइस ये है कि एक बार जाके वीडियो देख लो. मैं इसका लिंक नीचे दे दे रहा हूँ. ठीक है, जाके एक बार वाइल्ड लूप का वीडियो देख लेना, और लूप क्या होता है मैंने उसमें वो भी डिस्क्राइब किया. फाइन, तो लूप में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाइल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड, फॉर लूप. ओके, तो पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं. सिंटेक्स, सो फॉर लूप का सिंटेक्स होगा, सो बेसिकली हम फिर से अपने पुराने वाले प्रोग्राम में आते हैं. ये हमने वाइल लूप से पिछले क्लास में प्रोग्राम किया था. ठीक है, ये हमारा 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम था वाइल लूप से. तो यहाँ पे देखो, हमने बेसिकली यहाँ पे तीन मेन चीज़ें थी. यहाँ पे सबसे पहला लाइन नंबर 13, int i assign with 1. i में हमने 1 असाइन किया है, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. और i के अंदर जो वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखा है, ये क्या है? कंडीशन. और वाइल के अंदर ये जो i++ है, यानी i की वैल्यू को हर बार हम एक बढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं अपडेशन. ठीक है, तो इस पूरे लॉजिक में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्या क्या? इनिशियलाइजेशन जो वाइल के बाहर है, फिर हमारा कंडीशन जो वाइल के अंदर है पैरेंथेसिस में, और फिर अपडेशन जो वाइल के ब्लॉक में है. तो याद रखना. ठीक है, वापस आते हैं. सो फॉर का सिंटेक्स देख लेते हैं. सबसे पहले लिखेंगे फॉर स्मॉल में, फिर तीन चीज़ें होगी. हमारे उस प्रोग्राम में क्या था? इनिशियलाइजेशन, यानी किसी वेरिएबल में पहली वैल्यू स्टोर करना, कंडीशन, अपडेशन. सो वहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ पे था? फॉर के वाइल के बाहर था. कंडीशन यहाँ था, और अपडेशन कहाँ था? वाइल के अंदर. बट फॉर में तीनों एक साथ होता है. सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन. अब अगर किसी को नहीं समझ में आया जो मैंने अभी प्रोग्राम में दिखाया, तो कोई बात नहीं, समझ लो अभी इतना कि इनिशियलाइजेशन और जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ अपडेशन कंडीशन, ये कुछ होता है. ठीक है, मैं भी बताऊँगा क्या होता है. तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलम, देन क्या होगा? कंडीशन, एंड लास्ट अपडेशन, फिर फॉर क्लोज, और फॉर के नीचे हमारा फॉर का ब्लॉक होगा, यानी ब्रेसेस ओपन देन ब्रेसेस क्लोज, जो भी फॉर के अंदर लिखना है वो लिखने के बाद. सो अब फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री. फाइन, सो ये हमारा फॉर है. ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जीक्यूट कैसे होता है. ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब कंप्यूटर इसको रन कैसे करेगा. फॉर का काम क्या है? कि फॉर के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बार बार एग्जीक्यूट कराएगा कंप्यूटर से. दैट मीन्स फॉर एक ऐसी मशीन है जो क्या करता है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर से उसको बार बार एग्जीक्यूट कराता है. ठीक है, अब देखते हैं फॉर काम कैसे करता है. सो जब कंप्यूटर ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, जो हमारा कंप्यूटर ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा, तो सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन पे. ठीक है, ध्यान देना इस चीज को. सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन पे. ये मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ. सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन पे, देखो एरो नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे. इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंप्यूटर जो है, मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ इसका मतलब इंटरप्रेटर. ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंप्यूटर कहाँ जाएगा? कंडीशन पे. ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंप्यूटर जाएगा कंडीशन. मैं एरो बना दे रहा हूँ,
ठीक है, एरो नंबर टू है। ठीक, इनिशियलाइजेशन के बाद कहाँ जाएगा? कंडीशन। अब फिर कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंडीशन दो ही चीज़ हो सकता है, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। जैसे मैंने बोला वॉट एवर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि बाहर बारिश आ रही है, ओके, सो आइदर दिस इज़ ट्रू और दिस इज़ फॉल्स, यानी बाहर बारिश आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे ही कंडीशन कैसे बनाते हैं मैं बताऊँगा, बट यहाँ पर जो भी कंडीशन होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा कंप्यूटर कहाँ आएगा? सीधे फॉर के अंदर आएगा, ठीक है। और फॉर हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ओपनिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस कहाँ है? फॉर के ठीक नीचे, ये रहा, यहाँ से फॉर शुरू है और कहाँ तक है? ये रहा क्लोजिंग ब्रेसेस, यहाँ तक। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कंप्यूटर सीधे फॉर के अंदर आएगा। कब आएगा? जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। और एरो नंबर कौन सा है? मैं इसको एरो नंबर देता हूँ 3, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसे। फाइन, फॉर के आने के बाद, फॉर के अंदर आने के बाद हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? फॉर के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। और पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद, ये पूरा स्टेटमेंट तीनों एग्जीक्यूट करने के बाद, तीन चार जितना भी स्टेटमेंट लिखा हो, फॉर से बाहर नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा? वापस जाएगा हमारे अपडेशन पे, ठीक है। अब अपडेशन क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा प्रोग्राम में। अभी जान लो ये तीनों चीज़ कुछ होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन है कुछ। प्रोग्राम में क्या होगा मैं बताऊंगा। तो इसको मैं देता हूँ एरो नंबर 4, ठीक है। तो फॉर के अंदर जो भी लिखा है पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर कहाँ जाएगा? अपडेशन पे। और अपडेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा कंप्यूटर फिर से कंडीशन पे। क्लियर हुआ? फिर कंडीशन पे जाएगा। इसको मैं देता हूं एरो नंबर 5, ये हमारा एरो नंबर 5 है। सो कंप्यूटर फिर से कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से एरो नंबर 3 देखो, फिर से फॉर के अंदर आएगा। फॉर के अंदर जितना स्टेटमेंट लिखा है पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर कहां जाएगा? फिर एरो नंबर 4, फिर अपडेशन पे जाएगा। अपडेशन के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से देखो एरो नंबर 3, फिर से फॉर के अंदर आएगा, फिर एग्जीक्यूट। ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो एरो नंबर 3 फॉर के अंदर जा रहा है वो सीधे कहाँ आ जाएगा? फॉर के बाहर, प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, प्रोग्राम से बाहर। बट ये कब होगा? जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। सो होप ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर कैसे काम करता है। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, वो सारे स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होंगे? जितनी बार हमारा एक कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा हमारा कंप्यूटर उतनी बार फॉर के अंदर आएगा। फाइन, अब प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या है हमारा? प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 times। फाइन, सो अगर फॉर किसी को ना पता हो या वाइल ना पता हो तो हेलो वर्ल्ड 10 बार कैसे प्रिंट करेगा? वो 10 बार लिखेगा system.out.println hello world, system.out.println hello world, system.out.println hello world। सो इज इट पॉसिबल टू राइट system.out.println मल्टीपल टाइम्स, लाइक 100, 2000, 5000? ऑफकोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि चलो 10 times है तो लिख लोगे, 20 times लिख लोगे, 50 times लिख लोगे। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें 1000 बार प्रिंट करनी है, लिखोगे? सो यहाँ पे लूप का यूज़ आता है, ठीक है। सो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम हम लूप से करते हैं। कौन से लूप से? फॉर से। सो क्लास, इनपुट तो कुछ लेना नहीं है तो इंपोर्ट वाली लाइन नहीं लिखेंगे, क्लास का नाम ले लेते हैं लूप। देन लेट्स क्रिएट आवर मेन मेथड। इनसाइड मेन मेथड अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? फॉर। तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या था? फॉर। और फॉर में सबसे पहले क्या था याद करो? इनिशियलाइजेशन। सो
इनिशियलाइजेशन मीन्स टेक अ वेरिएबल एंड असाइन अ वैल्यू इन इट। मैं इसमें वन स्टोर कर देता हूँ। अब मैंने वन ही क्यों स्टोर किया, अब भी क्लियर हो जाएगा, तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब वन क्या है, इंटीजर। मैंने आई में वन स्टोर किया है तो आई के पहले क्या लिखना होगा, इंटीजर। फाइन, अब देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद क्या है हमारा, सेमी कॉलन है, देखो सेमी कॉलन। तो प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, सेमी कॉलन। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद क्या है, देखो कंडीशन। तो यहाँ पे हमें ऐसा कंडीशन देना है जो कंडीशन कितनी बार ट्रू हो, 10 बार, 10 के बाद 11वीं बार फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि फॉर के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको हमें क्या लिखना है, फॉर के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 बार। तो उस लाइन को हमें कंप्यूटर से कितनी बार रीड करवाना है, 10 बार। तो हमारा फॉर का कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा कंप्यूटर उतनी बार उस लाइन को रीड करेगा, बट हमें तो 10 बार ही प्रिंट करना है, तो कंडीशन कितनी बार ट्रू करवाएंगे, 10 बार। तो कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे i लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब i जब तक 10 से छोटा है या 10 के बराबर है कंडीशन ट्रू होगा। तो अब समझ में आया i में 1 क्यों लिए हम मैंने, ओके। कंडीशन के बाद क्या है, फिर है सेमी कॉलन। सो यहाँ फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, और सेमी कॉलन के बाद क्या है, अपडेशन। अपडेशन का मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू को हर बार एक बढ़ाना, क्योंकि अगर i की वैल्यू हर बार एक नहीं बढ़ेगी तो एक कंडीशन कभी फॉल्स होगा। अगर i में हमेशा 1 ही रहेगा तो एक कंडीशन जो है i लेस देन इक्वल टू 10 तो फॉल्स ही नहीं होगा कभी। तो i की वैल्यू कैसे हम बढ़ाएंगे, लिखेंगे i असाइन विथ i प्लस 1। मतलब यहाँ पे होगा क्या, हर बार जो भी i की पुरानी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड होगा, ठीक है, और जो नई वैल्यू आएगी, जैसे मान लो i में 1 था, 1 में 1 ऐड होगा, 2 हो गया। अब i में कितना स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। फिर अगली बार जब कंप्यूटर इस लाइन पे आएगा तो अब यहाँ पे i में कितना है, अगली बार आया तो 2 है, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब i में कितना स्टोर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे हर बार i में एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है i प्लस प्लस। i प्लस प्लस सेम वही काम करेगा जो i असाइन विथ i प्लस 1 करता है। फिर फॉर के नीचे फॉर का ब्लॉक, और फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है वो लिखेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का क्या काम है, जो भी उसके अंदर लिखते हैं हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, बट जो भी हमें प्रिंट करना है उसको कहाँ लिखेंगे, डबल कोटेशन में, यानी उसको स्ट्रिंग बना के लिखेंगे, ठीक है। सो हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड, तुम हेलो वर्ल्ड की जगह जो लिख दोगे वो प्रिंट करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमारा प्रोग्राम हो गया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहले ही बता चुका हूँ। तो पहले लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 5, फिर लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 7, फिर लाइन नंबर 8। तो लाइन नंबर 8 में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिंटेक्स में, ऊपर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ है, इनिशियलाइजेशन ना, और इनिशियलाइजेशन के बाद कहाँ गया है कंप्यूटर, कंडीशन पे। तो इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट हो गया, आई में कंप्यूटर कितना स्टोर कर देगा, 1, फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पे। तो आई में कितना है, 1, तो कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई में 1 है, 1 तो 10 से छोटा है, और कंडीशन भी यही है कि i की वैल्यू अगर 10 से छोटी है या उसके बराबर है तो ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गया। अब ट्रू होने पे कंप्यूटर कहाँ आ जाएगा, फॉर के अंदर। देखो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पे एरो नंबर 3 फॉर के अंदर आ रहा है, तो फॉर के अंदर आएगा। फॉर के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इसको, कमेंट सेक्शन में लिखता हूँ, कंप्यूटर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अब तो फॉर के अंदर कुछ बचा नहीं, तो कंप्यूटर अब कहाँ जाएगा, अपडेशन पे जाएगा, आई प्लस प्लस। देख लो यहाँ पे सिंटेक्स में, एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखो एरर नंबर 4 कहाँ गया है, अपडेशन पे गया है, दिखा ना। तो कंप्यूटर फिर अपडेशन पे आएगा i प्लस प्लस। तो i प्लस प्लस मैंने बताया था ना क्या कर देगा, i की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। तो i की वैल्यू पहले कितनी थी, 1, अब कितना कर देगा, 2। अब इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर कंडीशन पे आएगा। देखो यहाँ पे सिंटेक्स में,
ये देखो अपडेशन के बाद एरो नंबर 5 कहाँ आया है, कंडीशन पे। सो फिर कंडीशन पे आएगा, तो अब आई में कितना है, आई की वैल्यू भी चेंज हो गई है ना, 2 हो गई है, तो आई में अब 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है भाई, 2 तो 10 से छोटा होता है। फिर फॉर के अंदर आएगा ट्रू होने पे, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो अब दूसरी बार प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। फिर कहाँ जाएगा, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया जो फॉर के अंदर था, फिर कहाँ जाएगा, फिर अपडेशन पे जाएगा, जब तक अब कंडीशन फॉल्स नहीं होगा चलता रहेगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर कंडीशन पे आएगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई में तो 3 है, कंडीशन ट्रू। फिर फॉर के अंदर आएगा इस लाइन को, फिर एग्जीक्यूट करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो हेलो वर्ल्ड, 5 होगी फिर हेलो वर्ल्ड, 6 होगी फिर हेलो वर्ल्ड, 7 होगी फिर हेलो वर्ल्ड, 8 होगी फिर हेलो वर्ल्ड, 9 होगी फिर हेलो वर्ल्ड। 9 के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी जब अपडेशन पे जाएगा। फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई में भी अब 10 है, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, भाई 10 10 से छोटा नहीं है, बराबर तो है ना, तो यहाँ तो इक्वल का साइन लगा है, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड लास्ट टाइम, फिर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। फिर अपडेशन पे आएगा, तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम ओवर। सो गाइस होप ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा सबको, फॉर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप, फाइन, और उसके बाद हम लोग वाइल फॉर और डू वाइल से थोड़े से और एडवांस प्रोग्राम करेंगे। ओके, थैंक यू।